नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्री जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विवादों में दिखाई दे रहे। धनगर समाज को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर धनगर समाज में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर दायरी महासभा के बैनर तले आज धनगर समाज के जो लोग हैं कलेक्ट्रेट में पहुंचे और कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए धनगर समाज के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बीते दिनों एक बयान दिया गया, जिस बयान में धनगायरी समाज को खानदानी नहीं बताया। इसको लेकर समाजजनों का में काफी आक्रोश, उनका कहना है कि समाज की भावना आहत हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते हुए 7 दिवस में मीडिया के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जो माफी मांगे, नहीं तो धनगर समाज इसको लेकर आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। इधर विधानसभा चुनाव है, इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है उसको लेकर जो धनगर समाज लामबंद हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आज धनगर गायरी समाज एकत्रित इसलिए हुई कि आदरणीय गृह मंत्री बड़े पद पर बैठे हुए नरोत्तम मिश्रा जी धनगर गायरी समाज के धर्मशाला, छात्रावास, किसी अस्पताल की बात करनी तो दूर, टिकट देना तो दूर, लेकिन बात ऐसी की कि धनगर गायरी समाज खानदानी नहीं, उनके माता पिता भी खानदानी है क्या, उसको पता है क्या? हमारी समाज के ऊपर उंगली उठाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हमारी समाज के ऊपर उंगली उठाएगा, हम धनगर गायरी समाज पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा होश में नहीं आया, 8 दिन में माफी नहीं मांगी धनगर गायरी समाज से, तो हम रोड जाम करेंगे और उनका पुतला दहन करेंगे। क्या आज हम सब धनगर समाज के लोग जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं नरोत्तम मिश्रा के द्वारा पशुपालक समाज और गडरिया समाज को लेकर जो अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की गई है वो पूरी तरह अशोभनीय होकर पूरी तरह विवादास्पद है और इसका समाज पूरी तरह से विरोध करता है। और हम सब लोग ये बात यहाँ कहने के लिए, मुख्यमंत्री जी को ये बात समझाने के लिए आए हैं कि अपने इस जो छिछोरा गृह मंत्री हैं उसको समझाने का प्रयास करें कि उसके द्वारा जो टिप्पणी समाज के लिए और पूरे पशुपालक समाज के लिए, सिर्फ धनगर समाज नहीं पूरे पशुपालक समाज के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो कहीं पर भी शिरोधार्य योग्य नहीं है, इसलिए उसको माफी मांगी जाए उनके द्वारा, नहीं तो हम इसके आगे भी और बड़ा आंदोलन करें।